ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBSEDCL बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टेक्निकल असिस्टेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1179 है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें थ्रू ऑनलाइन ही आवेदन कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.wbsedcl.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया के अंदर होगी। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 28 दिसंबर 2018 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 18 जनवरी 2019 है, यानी कि 28 दिसंबर 2018 से लेकर 18 जनवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट्स 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट जिसको CPT बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट, ये इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। कैटेगरी UR ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 227 पद है। जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 133 पद है। UR EC कैटेगरी के लिए 122 ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए है, 70 जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए है, SC के लिए 106 और 61 इसके लिए है। SC EC कैटेगरी ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 53 पद है और जूनियर ऑपरेटर के लिए 31 पद है। ST के लिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव में 30 पद है और जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए 18 पद है। ST EC कैटेगरी के लिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 15 पद है और जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए 9 पद है। OBC कैटेगरी ए में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 54 पद है और जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के 31 पद है। OBC ECE के लिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 23 पद है और जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए 13 पद है। OBC BE के लिए 39 पद है और इसके लिए 22 पद है। OBC BE ECE के लिए 15 पद ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए है और 9 पद जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए है। PWD के लिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 23 पद है और 15 पद जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के है। EX सर्विस मैन के कैटेगरी में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 38 पद है और जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के 22 पद है, जो कि कुल मिलाकर के होते हैं ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 745 पद और जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन के 434 पद। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन HS लेवल। यानी कि ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उनके पास ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, कम से कम 50% मार्क्स पास होने के साथ। जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो ट्रेड सर्टिफिकेट अंडर NCVT फ्रॉम एनी ITI अंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि ITI गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वायरमैन इलेक्ट्रीशियन टोटल 2 ईयर ड्यूरेशन। यानी कि आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए अगर आपको जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर आवेदन करना है। एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। यानी कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उनकी एज 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सन, यानी कि आयु में ऊपरी छूट, OBC A कैटेगरी और OBC BE कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल की छूट दी गई है। पे स्केल, यानी कि इन पदों पर नियुक्त हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ₹6,300 से लेकर 20,200, साथ ही आपको ₹3,600 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए
आपको 6300 से लेकर 20200, साथ ही आपको 2600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए उसकी डेट्स ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई फॉर WBSCDCL रिक्रूटमेंट 2019 28 दिसंबर 2018 है। क्लोजिंग डेट टू अप्लाई फॉर WBSCDCL ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट 2019 18 जनवरी 2019, यानी कि 18 जनवरी 2019 में आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। अब मैं आपको एक बार फिर से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता देता हूँ, यानी कि आपका चयन इसमें अप्लाई करने के बाद किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों आपका चयन इन राउंड्स के आधार पर किया जाएगा, जो कि है रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। अगर आपने चारों टेस्ट क्लियर कर लिए तो आपका सिलेक्शन होना इसमें पक्का है। हाउ टू अप्लाई फॉर WBSCDCL ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2019, यानी कि आप इसमें इन पोस्टों के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपने फॉर्म के अंदर सारी जानकारी भर देनी है, जैसे कि अपना नाम, पता, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह की और भी अन्य जानकारी होगी जो कि आपको वहां पर भर देनी है। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं वीडियो में। इसके बाद आपको अपना फॉर्म भरने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो आपको उसको वहीं के वहीं क्लियर कर लेना है, और लास्टली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप अपना फॉर्म फोन से फिल कर रहे हो तो आप कम से कम फॉर्म सबमिट होएगा एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जो कि आपके भविष्य में पक्का काम आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि किन कैटेगरी कैंडिडेट्स को इसमें कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए ₹300 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ₹300 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, यानी कि दोनों पोस्टों पर आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹300 एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों अगर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्टली लिंक चाहिए तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप उसको डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। दोस्तों साथ ही मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जो जानकारी देते हो गलत होती है, इसलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होगे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि अभी आप पढ़ रहे होगे, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कब से आवेदन शुरू हो गए, तो आप यहां पर ये डेट देख सकते हो, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो यहां पर दी गई है 18/1/2019। तो आप ये मत कहना कि सर मैं कि जो आप जानकारी दे रहे हो वो एक फेक जानकारी, एक फेक जानकारी नहीं है, मैं आपको एक रियल जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, और साथ में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको जो मैंने जानकारी बताई है इसके अतिरिक्त भी कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप इसके लिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ।